हरदम करो। दादा वाले दिया भैया, अच्छा भैया बांटे करेले टमाटर वाले 30 वाला 20 हो गया। ये जो बचे हैं वो अपना प्रॉफिट है दोस्तों आज का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज गए दोस्तों सुबह के 9:30 और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट सब्जी खरीदने के लिए। हो सकेगा सब्जी खरीदूंगा, चंदू भैया लोग जाएंगे बोल रहे थे मार्केट, तो देखते हैं यार मैं भी कुछ खरीद लूँगा। वैसे भी आज रक्षाबंधन है यार, आज बुधवार है 30 अगस्त, और आज ही के दिन मान रहे हैं यार मना रहे हैं रक्षाबंधन को, और कई लोग 31 अगस्त को मनाएंगे, तो हमारे साइड तो आज ही मान रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल यहाँ से निकलता हूँ। अभी गाइस मार्केट पहुँच चुके हैं और ये देखो ऑटो के पास आ गए हैं भैया लोग, तो कुछ कुछ सामान ले लिए हैं, और उधर देखो टमाटर वगैरह है। चलो अब हम भी मार्केट साइड चलते हैं, कुछ देखेंगे खरीदेंगे। अभी आ चुके हैं दोस्तों कमीशन मंडी साइड टमाटर लेने के लिए। सबसे पहले टमाटर लेंगे, वही अपना मेन सब्जी। यहाँ पे देखो बोली हो रहा है गाइस, आप देख सकते हैं क्या रेट कट रहा है टमाटर। 550 करूँगा, ठीक 540-50। अभी गाइस टमाटर ले लिए, तो 530 रुपए के रेट में पड़ा है ये 60, और ये 560 रुपए का ये चंदू भी है, ये मेरा है, ये देखो दाग है यार हल्का फुल्का। चलो चलेगा, चलो गाइस अभी इसको ले चलते हैं ऑटो के पास। ये पहला सब्जी लिए भाई टमाटर, टमाटर को ऑटो में ला के डाल दिए हैं। ये देखो नीचे में चंदू भैया का टमाटर है, और ऊपर में मेरा टमाटर, और इधर सुनील भैया का टमाटर है। चलो अब फिर से चलते हैं मार्केट साइड और कुछ सब्जी देखेंगे, यार एक ही सब्जी में तो काम नहीं चलेगा। अभी फिर से आ चुके हैं दोस्तों कमीशन के पास, जहाँ पे बोली हो रहा है अभी करेला, बरबट्टी, बैगन वगैरह है, तो करेला देखेंगे और बैगन वगैरह देखेंगे। यहाँ पे देखो अभी बरबट्टी 5-7 रुपए बोली हो रहा है करेला, और ये करेला जा रहा है 17 रुपए किलो। चलो गाइस करेला को सुनील भैया को रखने के लिए बोल दिया हूँ, अपने लिए भी लेंगे तय करेट, मेरे भी लिए भी रख लेना। और अभी किसान मार्केट साइड जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या सब्जियाँ रखा हुआ है। आप यहाँ पे भी बरबट्टी रखा हुआ है, इधर भी भिंडी रखा हुआ है, इधर मूली रखा हुआ है, भिंडी ज़्यादा रखा हुआ है यार, इस साइड भी देखो भिंडी रखा है, आगे में भी पूरा भिंडी रखा हुआ। आज भिंडी और बरबट्टी का ही मार्केट है, ये देख सकते हैं इधर बरबट्टी रखा हुआ है पूरा लाइन से, इस साइड भी भिंडी बरबट्टी एकदम ही रेट डाउन हो चुका है यार, 7-6 रुपए किलो हो चुका है भिंडी बरबट्टी का होलसेल में। लेकिन हम लोग बैगन देखने के लिए आए हैं गाइस, लेकिन बैगन नहीं है यार इस साइड, बैगन नहीं है भाई, खत्म हो गया बैगन, खत्म हो गया। भिंडी बरबट्टी है पूरा 5-6 रुपए किलो, एकदम डाउन हो गया, एकदम डाउन हो गया भिंडी बरबट्टी करे। अपने को भाई बैगन लेना है और करेला बस और लूंगा, ज्यादा सब्जी नहीं लेता, वहाँ का मार्केट वैसे भी डाउन चलता है अपने लिए। अभी गाइस करेला भी ले लिए हैं सुनील भैया लिए हैं, और 10 कैरेट करेला, जिसमें से 1 कैरेट को मैं रखूंगा, बाकी सब उनका है। ये देख सकते हैं गाइस पूरा छल्ली लगा हुआ है नीचे तक, ये देखो, और यहाँ पे भी पूरा लगा हुआ है लाइन से करेला, तगड़ा करेला लिए हैं भाई सुनील भैया, क्योंकि कल उनका फेवरेट मार्केट है और वहाँ सब्जी बहुत ज़्यादा बिकता है उनसे, इसीलिए कल के लिए भी ले लिए हैं 16 रुपए किलो में, और हम लोग तो एक ही करेट बेचेंगे भाई, आज बस मार्केट है अपना इसीलिए। चलो अभी बैगन बस और देख लेते हैं मिल जाए तो। अभी गाइस कमीशन मंडी साइड गए थे और वहाँ से 1 कैरेट बैगन ले लिए हैं, 2 कैरेट लिए हैं, लेकिन 1 कैरेट चंदू भैया का है, 1 कैरेट मेरा चंदू भैया ही लिए हैं आप, ये देखो। चलो गाइस सब सामान हो चुका है, 3 ही सब्जी रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे भाई। ये देखो ये बैगन है, करेला रखेंगे 1 कैरेट, और 1 कैरेट टमाटर, 3 ही कैरेट रहेगा, बाकी कुछ नहीं है, और मिर्च बचा है कल का 2-2.5 किलो वो है। तो चलो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं यार, घर के लिए बहुत ज़्यादा धूप कर रहा है। अभी बज रहे हैं दोस्तों 3:00 PM और अभी मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, और आज मेरे साथ भांजा भी जाऊँगा बोल रहा है यार, अभी रोड के पास है, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। अभी गाइस पेट्रोल पंप के पास पहुँचे थे, पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे यार, और बारिश स्टार्ट हो चुका है तगड़ा से, एकदम भयंकर बारिश हो रहा है रोड में, देखो यार इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, एकदम धुंधला धुंधला दिखने लग गया है, एकदम से बदली आया हुआ है, और बारिश भी तगड़ा हो रहा है यार। चलो देखते हैं क्या होता है, अभी तो बारिश के बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी गाइस
चंदू भैया घर के पास आ गए हैं। लगभग 40 मिनट बारिश हुआ है उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं भाई। बहुत तेज बारिश हो रहा है। मजा आ गया, मजा आ गया भाई बारिश में यार। अच्छा लग रहा है, ठंड ठंड लग रहा है ना। चलो गाइस अभी ऑटो में बैठ गए हैं और आज ऊपर में बैठे हैं भाई। भांजे भी था साथ में तो, और ये चाचा भी है, तो तीनों लोग अभी ऊपर में बैठे हैं। और ये देखिए मौसम हुआ, बस का माहौल है, बदली आया हुआ है। चलो जैसा भी है अभी पहुँचते हैं मार्केट। अभी गाइस मार्केट पहुंच चुके हैं और ये देखो गाइस ऑटो को साइड में लगा दिए हैं। अब सभी सामान को उतारना है। आप चलो गाइस सभी सामान को उतार लिए हैं। ये देखो बैगन है और करेला है और ये टमाटर है, तीन वैरायटी बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। और कल का थोड़ा सा मिर्च मचा हुआ है 2 किलो के आसपास, वो झोला है। यहाँ पर लगाना है भाई अपना दुकान। चले भांजे लगाएं। चलो गाइस अब दुकान लगाते हैं। आप दुकान को लगा लिए हैं, ये देख सकते हैं आज ये मिर्च है कल का बचा वाला, जिसमें से 1 किलो बिक गया, 1 किलो और लगभग बचा है। और टमाटर है, करेला है और बैगन है ये। और ये देखो बगल में सुनील भैया का दुकान लगा है। क्या रेट बेच रहे हो भैया? सस्ता भैया, छत्तीसगढ़िया पूरा सस्ता बेचिएगा आज। रक्षाबंधन ऑफर पूरा खत्म करो ठीक। हाँ, सामने में चंदू भैया दुकान लगा। चलो गाइस सब ग्राहक लोगों को वेट करते हैं, देखते हैं कितना समय में आना स्टार्ट होते हैं। चलो गाइस पहला कस्टमर आ गए हैं। करेला से आज बोहनी हो रहे थे भैया, ले रहे हैं करेला, आधा किलो ही लूंगा बोल रहे हैं। 30 रुपए किलो है आज मात्र, 40 वाला 30, एकदम सस्ता हो गया। ये देखो भाई करेला वाले ताजा करेला ही मेरे मिल ही। चलो गाइस सब उम्मीद हो चुका है, अब देखते हैं यार किस प्रकार से आज मार्केट में सेलिंग होता है, कैसा रहता है आज का मार्केट। आज अभी टमाटर करेला भाटा वाले 20 रुपए किलो पता भैया, टमाटर सस्ता भी है खरीदने के लिए। खत्म करो, 20 रुपया हो गए भैया। भाटा 20 हो गया, भाटा 20 हो गया। आप पियो खत्म करो, दादा वाले पिया भैया। 20 रुपए किलो करेला भाटा, करेला भाटा 20 हो गए। आधा किलो आजा भैया, भाटा करेला टमाटर वाले तीस वाला 20 हो गया। क्या पास समझा है भाटा? कोई ज्यादा नहीं। आजा भैया भाटे टमाटर करेला वाले, आजा भैया टमाटर वाले आजा भैया टमाटर वाले टमाटर करेला भाटा वाले।
ताजा करेला 20 हो गई। आजा भी टमाटर वाले, टमाटर वाले टमाटर करेला भाटा वाले थोड़ा बच गया भैया, जल्दी खत्म करा। 30 वाला 20 हो गए। आज अभी टमाटर वाले, टमाटर वाले चालीस वाला कोई काम नहीं भैया। सस्ता है 20 रुपया किलो। अभी बच गए हैं दोस्तों शाम के 7 और लगभग सभी बिक चुका है सब्जी, लेकिन एकदम जीरो मार्जिन में सेल करना पड़ा यार। कारण है सुनील भैया 20 रुपए किलो में बेच दिए बैगन और करेला को। अरे तो मेरे पास बहुत सारा था ना यार, मैं 5 कैरेट करेला रखा था, 2 झोला मटर रखा था। ठीक तो यार बेचना पड़ेगा भाई, लेके आया था त्योहार है, सस्ता बेचना पड़ेगा भाई। ठीक ऐसे में फिर ग्राहक लोग गाली बकेंगे। चलो गाइस 20 रुपए किलो में हम भी सेल किए पूरा। और ये देखो बैगन बचा हुआ है, लगभग 3 किलो बैगन बचा है और मार्केट लगभग खत्म हो चुका है, उतना ज्यादा भीड़ नहीं है। देखो 2-4 पब्लिक बचे हैं, बाकी सब खत्म, ये देख सकते हैं। चलो यार अब देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और बिक जाए तो, नहीं बिकेगा तो फिर घर ले जाएंगे इतना को। अभी बच गए दोस्तों रात के 9 और आज जल्दी जल्दी में वीडियो शूट नहीं कर पाया यार, आते समय बैगन बस बचा है, बाकी सब सब्जी बिक चुका है। जो लास्ट में 3 किलो बैगन बचा था वो बच ही गया यार, कोई ग्राहक नहीं आया तो उसको घर ले आए हैं, बाकी सब बिक गया और ठीक था वैसे आज का मार्केट है। लेकिन करेला और बैगन को एकदम जीरो मार्जिन में सेल किया है गाइस, उसका खरीदी रेट बस मिला हो गया, ज़्यादा पैसा नहीं बन पाया है उसमें। जो भी पैसा बना है टमाटर में बना है और मिर्च में बना है, और बाकी बैगन और करेला में प्रॉफिट ही नहीं निकल पाया। बैगन का तो और पैसा फंस गया, 3 किलो बचे है उसमें तो अपना मूलधन नहीं बन पाया उसमें, टमाटर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। चलो प्रॉफिट हुआ है उसको गिन के दिखाऊंगा, पहले इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ दोस्तों अपना कितने का इन्वेस्टमेंट था। सो 530 रुपये का ले गए थे टमाटर, 240 रुपये बैगन, 230 रुपये का करेला और 40 रुपये का मिर्च कल का बचा था उसको ऐड कर लो, टोटल पड़ा दोस्तों 1040 रुपये। और गाड़ी भाड़ा ऐड नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि जो सेलिंग की है उसी में का पैसा दे चुका हूँ तो उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। 120 रुपये का मेरे बाइक में 50 रुपये प्लस 70 रुपये सुनील भैया दिए हैं, 120 रुपये तो 120 रुपये इसमें का दे चुके हैं तो उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। 1040 रुपये अपना जो सब्जी ले गए थे उसका बस है। तो चलो गाइस सब 1040 रुपये में से कितने का सेल किए हैं उसको दिखाता हूँ। ये सिक्का है गाइस, वही 40 रुपये है यार ये सिक्का, तो सिक्का को अलग रख देता हूँ, इसको गिनने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इसको गिन के दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10 तो 1000 हो गया दोस्तों, और 40 रुपये है तो 1040 हो गए, ये अपना मूलधन हो गया। और ये जो बचा है वो अपना प्रॉफिट है दोस्तों आज का, दिन भर मेहनत की उसका। चलिए इसको भी गिन रुके हैं, ये 100, 10 अरे यार चिपक गया, और ये 20, 10, 30, 10, 40 तो मात्र 140 रुपये आज अपना प्रॉफिट निकला है दोस्तों। ये भी टमाटर की बदौलत निकल गया यार, वो तो गाड़ी भाड़ा 120 रुपये चला गया है, वरना 260 रुपये कमाई निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों कुछ इसी प्रकार से रहा आज का मार्केट, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। कैसा लगा आज का ये ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग से अगले ब्लॉग में जय भारत।